संस्थाएं खोलकर भी 900 संस्थाएं खोलने के बाद जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया, उन्हें अपने गृह भाव में झांकने की झूठ करा। इसका मतलब है कि वो संस्थाएं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत सर एसएसबी बोर्ड के निलंबन पर भी नाराजगी बता रहे हैं, सब चीजों की जानकारी। सर कैबिनेट विस्तार को लेकर अगर बात करें तो कब तक हो सकता है, और कल जो है वो स्पीकर का भी जो चयन होना है तो क्या कहेंगे नामांकन? देखिए अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कुलदीप विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके नाम को सेकंड किया। मैंने प्रपोज किया है और जयराम ठाकुर जी ने उसको सेकंड किया। ये सांझा उम्मीदवार हो गया आज नॉमिनेशन के बाद, और उसके बाद हमारे हर्षवर्धन चौहान जी और मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रपोजल सेकंड किया, और शांडिल जी और पूर्व जो स्पीकर थे प्रीपर परमार जी उन्होंने सेट कर दिया है। तो वो लगता है कि उनका चुनाव नॉमिनेशन आज खत्म हो गया तो अनपोज्ड उनका चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा। सर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो आपने आज आगाज किया है, हाथ से हाथ जोड़ो इंतजाम हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है। मैं आज कार्यकर्ताओं की बैठक में गया था, वो एक जो देश में नफरत की बात पनपी है जी, जो राहुल गांधी जी ने नफरत जोड़ो भारत जोड़ा यात्रा का शुभारंभ किया, उस संदर्भ में अगला जो हमारे अभियान है हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि दिल से दिल जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो, इस अभियान का शुरुआत आज हिमाचल प्रदेश में हुई और उसका मैंने आज शुभारंभ किया। सर लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि जो है मंत्रिमंडल का गठन नोटिफाई करने के लिए पहल कर रही है, और कहीं ना कहीं बदला बदले की भावना से जो है वो कार्य जो है वो सत्ता में आते ही 25 दिन की सरकार कर रही है। नहीं, मंत्रिमंडल तो हमारा अधिकार है, विपक्ष को बोलने का अधिकार है, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है ना, तो मंत्रिमंडल पर बातें होंगी, तो मंत्रिमंडल का विस्तार इन ड्यू कोर्स और समय की। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से आपने तंज कसा कि सारे फैसले जो हैं वो किसी दिव्य शक्ति के आधार पर लिए थे, भगवान भरोसे जो है संस्थान चलेंगे, उन्होंने कहा कि सरकार भगवान भरोसे चल रही है। नहीं, पहले वो कह रहे थे कि सेशन नहीं कर रहे, हमने बोला हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं आए। आपने देखा विपक्ष के नेता जी को हमने बहुत बोलने का समय दिया, हम चाहते हैं कि वो अपनी बात रखे, पीछे से कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, उनका दायित्व है, जब उन्होंने पूरी बात रखी तो हमारी बात भी सुन ले। तो आज भी हम इनको कह रहे हैं कि आपको पूरी बात रखने का अधिकार है, और विपक्ष में सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए तथ्यों के आधार पर, और जहाँ शिक्षा संस्थान में पूरे शिक्षक होंगे उन पर हमारी हमने बोला नीट पे हम पुनर्विचार करेंगे। समारोह है, सबके परिवार के लोग आए हुए थे, तो इन चीज़ों को वैसे दीर्घायु में बैठे हुए लोग तालियां नहीं बजा सकते, वो उन्होंने सही कहा है, लेकिन जो खुशी शपथ ग्रहण के बाद समय तालियां जब बज रही थी तो उसमें हमारे जो प्रोटर्म स्पीकर थे उन्होंने व्यवस्था दी है, तो ये चीज़ें पहली बार जब होता तो ऐसा हुआ, इस दृष्टिकोण से हमने हमारे प्रोटर्म स्पीकर चौधरी चंद्रमा की व्यवस्था दी। इसके बाद सर आपने विपक्ष से कहा है कि आप